There's a song in my heart. Oh, telling me I should move. That I won't give up. Oh, it's making the way for me. So I'll keep. आप अभी जो हॉस्पिटल देख रहे हैं यह है 1000 बिस्तर वाला हॉस्पिटल। तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जो कि 1000 बेड वाला है और यह बनके तैयार हुआ है ग्वालियर शहर में। अक्सर हमने यह देखा है कि जितने भी जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपको गंदगी देखने को मिलती है, खासकर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं। और आपको इसको देख के यकीन नहीं होगा कि यह एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और जो कि इतना बड़ा है, 1000 बेड का है। तो इसमें आपको क्या क्या सुविधाएँ देखने को मिल जाती हैं, आपको यहाँ पर किस किस चीज़ के डॉक्टर देखने को मिल जाते हैं, किस किस चीज़ की यहाँ पर आपको स्पेशलिटी मिल जाती है, और यह किस कॉलेज के अंतर्गत आता है, ग्वालियर में कहाँ बना हुआ है, आप यहाँ पे किस चीज़ का इलाज करा सकते हैं और आपको क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटी वगैरह देखने को मिल जाएगी, यह सारी जानकारी जो है आज हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं और आपको दिखाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल जो कि बनके तैयार हुआ है 1000 बिस्तर वाला और वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो दोस्तों अभी आप यह जो हॉस्पिटल देख रहे हैं यह हॉस्पिटल है ग्वालियर शहर के आमको इलाके में स्थित। और दोस्तों यह हॉस्पिटल जो आता है GRMC मेडिकल कॉलेज जो कि गज राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में बना हुआ है और एक ऐसा कॉलेज था जो कि पूरे मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज था। और ऐसे ही तर्ज पे जो है यह 1000 बिस्तर वाला पहला मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल बना है जो कि पूरे मध्य प्रदेश में पहला है। तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे बहुत ही विशाल पार्किंग देखने को मिल जाती है। आपको इसके आगे जो आम लोगों के लिए पार्किंग दी गई है उसके पीछे जो है डॉक्टर्स के लिए पार्किंग वगैरह दी गई है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स की गाड़ी आप यहाँ भी खड़ी कर सकते हैं। और यह हॉस्पिटल दोस्तों बहुत ही बड़ा है, 1000 बिस्तर वाला है, आपको यहाँ पे सारी स्पेशलिटी देखने को मिल जाती है। और ख़ास बात तो यह है दोस्तों, अगर जिस भी हॉस्पिटल में आप जाते हैं, जैसे कि अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ आप किसी चीज़ का इलाज करा रहे हैं और किसी चीज़ का इलाज नहीं हो पाता है तो भाई आपको रेफ़र कर देते हैं हायर सेंटर में। तो ये वह कॉलेज है जहाँ पे आपको जो हेयर सेंटर पे रेफ़र किया जाता है, आपको यहाँ पे लिया जाता है। आपके पेशेंट की हालत कैसी भी हो, कितनी भी क्रिटिकल क्यों ना हो, यहाँ से आपको वापस नहीं जा सकते हैं, आपको यहाँ पे जो है इलाज अलग से मिल जाता है। तो ये पूरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं जो कि है यहाँ पे गजराजा मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल की, जो कि बहुत ही प्यारा है। इसका यह एंट्री गेट है जो कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। चलिए अब इसके अंदर चलते हैं और दिखाते हैं अंदर से कैसा है। तो देखेंगे आप, जैसे ही आप बाहर से अंदर आते हैं तो आपको इस गेट से जो है एंट्री करनी होती है और यहाँ से आप अंदर आ सकते हैं। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, यह है जो हॉस्पिटल बहुत ही क्लीन है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह मिल रहते हैं जो कि आपको चेक करते हैं कि आप जो है कोई गुटखा बीड़ी या कुछ ऐसी चीज़ें लेके तो नहीं आ रहे हैं जो कि अस्पताल के अंदर परिसर में गंदी की हो। लेकिन दोस्तों कुछ लोग फिर भी जो है लेके आ जाते हैं और जगह जगह में थूक देते हैं, ऐसा ना करें क्योंकि ये इससे तो है आपके ही लिए बेकार होगा और यहाँ पे जो आ रहे हैं उनके लिए बेकार होगा। आप देखेंगे सामने यहाँ आपको दिख रहा है रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट जहाँ पे आप एक्सरे वगैरह करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं और अपना MRI CT स्कैन वगैरह भी करा सकते हैं। लेकिन वह कॉलेज की जो पुरानी बिल्डिंग है वहाँ पे अभी वहीं पे होते हैं। यहाँ देखेंगे यहाँ पे वेटिंग एरिया वगैरह दिया गया है, जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पे अपना पंजीकरण कराना पड़ता है, यहाँ पे जो आपको टिकट वगैरह लेनी पड़ती है, यहाँ पे पर्ची कटानी पड़ती है जो कि 10 से 20 रुपये की मिल जाती है बहुत ही आसानी से। और इसके आगे आप देख रहे हैं यहाँ तरफ आप जाते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ से आपको मेडिसिन वगैरह वितरण की जाती है जो कि बिल्कुल फ्री होती हैं। यहाँ पे देखेंगे यहाँ सारे अलग अलग काउंटर दिए गए हैं जिसमें कि ज़्यादा भीड़ ना हो और आपको जो है यहाँ दवाइयाँ वगैरह आसानी से मिल जाएँ। और आप देखेंगे दोस्तों इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद भी यहाँ पे साफ़ सफाई बहुत ही अच्छी की गई है। अभी रात के जो है 9 बज रहे हैं और यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे जो लोग रुक सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे सोते हैं और रुकते हैं जो कि बाहर से आते हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छा ध्यान रखा गया है साफ़ सफाई का, बहुत ही इसका प्यारा बनाया गया है और इस बिल्डिंग को जो है एक आलीशान महल के जैसा बनाया गया है और ये दिखने में बहुत ही प्यारी लग रही है और बहुत ही अच्छा है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको आगे तरफ की आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप कभी हॉस्पिटल आएंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पता चली जाएगी कि आपको कहाँ से क्या जाना है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ से आपको जो है बाहर का रास्ता दिख जाता है, लेकिन यह रास्ता अक्सर बंद होता है। आप वहाँ पर जो है आपको चेक करा सकते हैं, आप रिपोर्ट वगैरह कराना था आपको तो आप रिपोर्ट वगैरह वहाँ पर जमा कर सकते हैं। और आप देखेंगे आप इस तरफ आ गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं बाहर से आपको यहाँ से जो है पूरा नज़ारा दिख जाता है बाहर का। और यहाँ पे अगर आपको कान नाक का दिखाना है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं और कुछ इस प्रकार का यहाँ से देखेंगे आप बाहर नज़ारा दिखाई देता है। बाहर बहुत ही ग्रीनरी बनाई गई है, पूरा पर्यावरण का ध्यान रखा गया है, पेड़ पौधे लगाए गए हैं
और पार्किंग दी गई है। तो यहाँ रात में देखेंगे ऊपर आपको जो बिल्डिंग वगैरह दिख रही है वहाँ पे जो है पेशेंट वगैरह भर्ती किए जाते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट अलग अलग दिए गए हैं, जैसे कि आप आगे जाएंगे तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं यह है सेक्शन बी, जहाँ पे आपको जो है अलग अलग चीज़ों के डॉक्टर मिल जाते हैं और उसी चीज़ के डॉक्टर जो है आपको ऊपर भर्ती कर देते हैं जहाँ पे आप भर्ती रह सकते हैं। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ मेडिसिन वार्ड, सामान्य वार्ड और आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। वैसे ही आप आगे जाएंगे तो आपको आगे और डॉक्टर वगैरह का जो है देखने को मिल जाता है। यहाँ देखेंगे यहाँ आपका ब्लड वगैरह कलेक्ट किया जाता है, यहाँ पे काउंटर बनाए गए हैं जहाँ पे अपना आप ब्लड वगैरह ले सकते हैं दे सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो है ऐसा काउंटर बना दिए गए हैं ताकि जो यहाँ पे आते हैं पेशेंट वगैरह उनको कोई परेशानी ना हो। अगर हम बात करें यहाँ पर कि आपको क्या क्या सुविधाएं देखने को मिल जाती है, तो आपको यहाँ पे हर प्रकार के डॉक्टर मिल जाते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिल जाते हैं। जैसे कि यह एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना कि प्राइवेट है, लेकिन देखेंगे आप प्राइवेट हॉस्पिटल से भी बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा बनाया गया, बहुत ही भव्य बनाया गया है ताकि यहाँ आने वाले पेशेंट को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ अगर हम बात करें तो आपको ऑर्थो से लेके, ऑप्थेल्मो से लेके जो है रेडियो के डॉक्टर, मेडिसिन के डॉक्टर, ईएनटी डॉक्टर और ऐसे ही जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं बहुत सारे, वह सारे डॉक्टर आपको यहाँ मिल जाते हैं। आपको यहाँ क्रिटिकल केयर भी मिल जाती है, अगर आप इमरजेंसी में आना चाहते हो तो आपको इमरजेंसी में भी यहाँ पर एडमिट कर लिया जाता है। और हमारी जो कि पुरानी बिल्डिंग थी वहाँ भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ ट्रॉमा सेंटर अभी चालू है, वहाँ पर सीटी स्कैन एमआरआई वहीं पर होते हैं और वहाँ पर जो है आपको अगर लेडीज वगैरह भर्ती होती हैं बच्चों वगैरह को दिखाना है तो आप पुरानी बिल्डिंग में जा सकते हैं। और जैसे कि डिलीवरी वार्ड वगैरह जो है वह पुरानी हॉस्पिटल में अभी चालू है, तो आप अगर ये चार पाँच चीज़ें कराना चाहते हैं तो आपको जो है पुराने हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आपको कोई भी नई प्रॉब्लम होती है जो कि आप चेक करना चाहते हैं दिखाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो दोस्तों आप ये बात याद रखिएगा, अगर कुछ चीज़ें आपको जो है चेक करानी है तो आपने वहाँ जाना है, और कुछ चीज़ें नहीं चेक करानी है जो कि वहाँ पे नहीं होती हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना है। तो ये इस प्रकार का पूरा हॉस्पिटल देखेंगे दोस्तों, हमने अभी आपको जो बाहर से लेकर यहाँ तक का दिखाया है। वहाँ देखेंगे आप बाहर तरफ आपको ए सेक्शन दिख जाता है, यहाँ तरफ से दिख जाता है, इससे पहले जहाँ हम गए थे वो था बी। इस प्रकार से यहाँ पे ए सी ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक दिए गए हैं। तो फिलहाल अभी हम खड़े सी ब्लॉक के पास, जहाँ पे जो है ब्लड वगैरह कलेक्ट किया जाता है। और आपको ब्लड वगैरह जमा करना है तो आपको इस तरफ जाना होता है जहाँ पर ए ब्लॉक है, वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में आपको ब्लड जमा करना होता है, क्योंकि अक्सर लोग यही पूछते हैं कि ब्लड कहाँ से लेना और कहाँ पे देना है, तो आपको ए ब्लॉक में फर्स्ट फ्लोर में जाना है। यह बिल्डिंग जो है 6-7 मंजिल बनी हुई है, जहाँ पे पेशेंट वगैरह भर्ती किए जाते हैं। हर वार्ड में जो है अलग अलग पेशेंट भर्ती किए जाते हैं। यहाँ तरफ आप जाएंगे तो आपको मेडिसिन वगैरह के पेशेंट देखने को मिल जाते हैं, उस तरफ आप जाएंगे तो औरतों के आपको देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको जो है देख सकते हैं सर्जरी विभाग वगैरह यहाँ देखने को मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पर जो है अलग अलग डिपार्टमेंट बांटे गए हैं और दिए गए हैं। और यहाँ पर दोस्तों अगर आपको जो है 6वें फ्लोर तक जाना है तो उसके लिए आपको जो है सीढ़ी वगैरह देखने को मिल जाती है, साथ में लिफ्ट वगैरह देखने को मिल जाती है, जो हम आपको आगे जाके दिखाएंगे। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों को इस प्रकार का पूरा यहाँ पर चैम्बर बना हुआ है। देखेंगे आप यहाँ पे जो है अगर आप सर्जरी के लिए आते हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एक ही डॉक्टर मिले, यहाँ पे आपको 4-5 ऐसे जो है ओपीडी देखने को मिल जाती है जिसमें सर्जरी के डॉक्टर बैठते हैं। ऐसे ही जो है अलग अलग चीज़ें के डॉक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप मेडिसिन दिखाना चाहते हो तो मेडिसिन के भी 4-5 डॉक्टर मिल जाएंगे, ऑप्थल में दिखाना चाहते हैं तो ऑप्थल में कोई 4-5 डॉक्टर मिल जाएंगे। तो जिससे कि यहाँ पे भीड़ वगैरह होती है तो उसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और सारे पेशेंट को तो बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। और कुछ डॉक्टर्स की जो इंटर्नशिप वगैरह चलती हैं, कुछ एमडी वगैरह करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे जो आपको बहुत सारे डॉक्टर देखने को मिल जाते हैं, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, आपकी सारी हिस्ट्री वगैरह लेती है। बाकी आपको सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर वगैरह देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है ट्रीट करते हैं। तो चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, आगे से पीछे तरफ आए तो पीछे से दिखाते हैं कि आपको पीछे से कैसा दिखता है। तो आप देखेंगे जब हॉस्पिटल शुरू हुआ था शुरू में, तो आप लोग यहाँ से एंट्री करते थे, आपको यहाँ पे जो है पार्किंग वगैरह देखने को मिली थी, यहाँ से जो आप लोग एंट्री करते थे और अंदर जाते थे। फिलहाल अभी यह सी ब्लॉक पीछे की तरफ कर दिया गया है क्योंकि सामने तरफ की जो है पार्किंग वगैरह चालू हो गई है जिसका पहले काम चल रहा था। आप देखेंगे यहाँ भी ग्रीनरी का पूरा ख्याल रखा गया है, यहाँ पर ग्रीन वगैरह बनाया गया है पूरा हॉस्पिटल, और देख सकते हैं कितना भव्य लग रहा है। यहाँ पर आपको पूरी फैसिलिटी मिल जाती है, आपको यहाँ पर जो है लाइट वगैरह देखने को मिल जाते हैं, यहाँ आपको एम्बुलेंस वगैरह देखने को मिल जाती है। अगर आपको कोई भी जरूरत होती है ना दोस्तों, तो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। आपको इसको देख के लग नहीं रहा होगा कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है क्योंकि ये बहुत ही वेल मेंटेन है और बहुत ही साफ सफाई रखेगा इसमें, और यहाँ के डॉक्टर वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे और बहुत ही ज़्यादा समझदार और बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया जाता है। तो दोस्तों ये है पूरा ग्वालियर का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल जो कि 1000 बेड का है, और पूरे मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल जो कि 1000 बेड का अभी बनकर तैयार हुआ है और सभी लोगों के लिए खुल गया है। यहाँ पर पेशेंट की मात्रा भी अच्छी खासी है, यहाँ पर पेशेंट बहुत आते हैं, और अगर आप
एमडी वगैरह करना चाहते हैं और एमडी के बाद यहाँ पे सिलेक्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर हमारा वीडियो देख रहा है तो वह देख सकता है कि कितना प्यारा हॉस्पिटल है। अगर आप किसी का यहाँ पे जो है इच्छा है यहाँ से एमडी करने की, अगर आपको पीजी निकालना है तो आप पीजी निकाल के इस कॉलेज में आ सकते हैं। और गजराजा मेडिकल कॉलेज जो है एमपी के टॉप 3 कॉलेज में से एक है। अगर आप कभी यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। आप देख सकते हैं हम लोग 6वें फ्लोर पर आ चुके हैं जहाँ पे है ऑप्थेलमो की, और यहाँ पे भर्ती होते हैं पेशेंट। आप देखिए कुछ इस प्रकार का यहाँ पे जो आपको देखने को मिल जाता है ऑप्थेलमो का डिपार्टमेंट, और इसके आगे ही आपको जो है लिफ्ट वगैरह देखने को मिल जाती है। तो हम अभी आपको लिफ्ट भी दिखाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा वीडियो, कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।